इतिहास में देखे तो हमारी मुद्रा में कई बदलाव आए हैं और हर बदलाव अपना समय लेती है। हालांकि इन बदलावों के बीच का अंतर अब घट गया है। समाज में मुद्रा के रूप में स्वीकृत किए जाने के लिए मुद्रा की विरलता, उसका विभाजन, स्थायीपन और संवहन होना आवश्यक है, क्योंकि उपयोग की जाने वाली मुद्रा एक बेहतर विकल्प मिलने पर बदल दी जाती है। वर्तमान समय में उपयोग की जाने वाली मुद्रा की समस्या है इसकी विरलता। ब्याज दर घटा के भारी मात्रा में मुद्राएं हमारी अर्थव्यवस्था में सम्मिलित हो जाती है, जो हमारी मुद्रा की क्रय क्षमता को कम कर देती है। इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। राष्ट्रीय मुद्राओं के विपरीत बिटकॉइन की मात्रा सीमित है। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही मुद्रा चलन के लिए निर्मित की जाएगी। बिटकॉइन की बढ़ती कीमत के साथ इसकी एक इकाई को दशमलव के आठवें हिस्से तक में बांटा जा सकता है, अर्थात हर एक बिटकॉइन 100 मिलियन हिस्सों में बांटा जा सकता है। स्वर्ण और नकद जैसे ठोस मुद्रा के मुकाबले बिटकॉइन वहनीय है। बिटकॉइंस आपके डिजिटल वॉलेट में संग्रहित रहते हैं और किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर से इनका व्यापार किया जा सकता है, ताकि आप बिना किसी बैंक या फोरेक्स प्रतिनिधि के हस्तक्षेप के अपने धन का आदान प्रदान कर सके, वह भी न्यूनतम शुल्क पे। विश्व के सबसे बड़े संगठन आज बिटकॉइन की मुद्रा स्वीकार करते हैं और आज बिटकॉइन का नेटवर्क विश्व के 500 सुपर कंप्यूटरों से भी 100 गुना ज्यादा प्रभावशाली है। और कई राष्ट्रों में बिटकॉइन संगठन स्थापित होने के कारण बिटकॉइन अब मौजूदा रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन चुकी है। विश्वास नहीं हो रहा? आइए जानते हैं बिटकॉइन पे इन प्रसिद्ध लोगों के विचार। किसी और वास्तु या मुद्रा की तरह बिटकॉइन का मूल्य भी लगातार बदलता रहता है। हालांकि इसका मूल्य काफी प्रभावी रूप से बढ़ रहा है। अपने पांचवे उछाल चक्र में मौजूद बिटकॉइन में सबसे उत्कृष्ट मूल्य स्रोत बनने की क्षमता है। अपना पहला बिटकॉइन खरीदने के लिए आज ही डाउनलोड करें ज़ेप्पे, भारत का सर्वश्रेष्ठ बिटकॉइन ऐप।